प्रणाम सभी लोगों को मैं वैद्य अरविंद पाठक सभी को मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करता हूँ आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ अभी हम लोग आज न कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे जो हम लोग तो रोज बात करते ही है केस टेकिंग और कॉमन कॉमन चीजों पर रोज बात करते हैं लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारा ग्रंथों में जो बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा है उस पे हम बात करेंगे और आप लोग भी अपने केसेस बता सकते हैं लेकिन हम लोग ना ये सब बातें करेंगे ग्रंथों को हमें छोड़ना नहीं है हम, हमारे जो भी वचन है वो सबसे मेन है तो आप तुर, आप तुर का तो हमें रेस्पेक्ट करना ही करना है कल हम लोग पित्त शामक मेडिसिन पे बात रहे थे पित्त से रिलेटेड सब बातें रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं कुछ अपने सर के नोट से आप लोगों से कुछ डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे इसमें तृष्णा निग्रहण गण ऐसे बताया है तो इसके पर्याय नाम क्या है तृष्णा निग्रहण किसी को प्यास लग रही है बहुत ज्यादा तो कुछ ऐसे दवाइयां हैं जो प्यास को कम करता है क्योंकि पानी कितना भी पिए लेकिन प्यास लगी रही है तृष्णा रोग बताया गया है एक तो तृष्णा को रोकना निग्रहण करना या पिपासाहर या तृष्णा शामक त्रिषाहर ऐसे ये पर्याय शब्द हैं तो जो औषधिया या द्रव्य तृष्णा को शांत करते हैं तृष्णा यहाँ पे मानसिक तृष्णा नहीं है जैसे किसी चीज की तृष्णा है जैसे कोई धन लेने की तृष्णा है वो तृष्णा शब्द जो है वह मानसिक हो गया यहाँ पे शारीरिक तृष्णा मतलब जो प्यास लगी है उसको कम करने का तो ऐसे जो द्रव्य कम करते हैं तृष्णा प्यास को उसको हम लोग तृष्णा निग्रहण गण या गण या तृष्णा साम या त्रिषाहर बोलते हैं तो इसमें चरक ने तृष्णा नग्रहण वर्ग में क्या क्या दवाइयां लिखी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट आए ना जो बोलते हैं कि हमें बहुत प्यास लगती है लेकिन हम कितना भी पानी पीते हैं प्यास ही नहीं बुझती है मुंह सूख जाता है बहुत ज्यादा तो उनके लिए गण बताया है तो उसमें शुंठी है यवासक फिर मुस्ता नागरमुथा फिर उसके बाद में परपटक फिर चंदन किरातिक्त गुडुची रिबेर धान्यक और पटोल ये चीजें बताइए और क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे तो शुठी जो है वो दीपन पाचन करता है काम विपाक में मधुर रहता है दीपन पाचन कार्य करेगा तो स्त्रोतोरोध जो है उदक व स्त्रोत में उसका स्त्रोतोरोध करेगा आपने ब्लड सर पानी का सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा पूरा शरीर में और जो क्लोम है वो और जो भी उदक वाहिनी जो वाहनियां है वह सब खुल जाएंगी प्यास ठीक मतलब बैलेंस हो जाएगा प्यास का जो तकलीफ है वो ठीक हो जाएगा जैसे मुस्ताय आम पाचन करता है परपटक आम पाचन करता है चंदन भी आम पाचक है किरा तिक्त तिक तरह से पूरा स्त्रो को दूर करेगा आम का पाचन करेगा तो फिर प्यास का प्रॉब्लम ठीक होगा गुडुची भी है रिबेर धान्य धान्यक तो पूरा अपना शरीर में अगर कहीं पर भी यूरिन का इम्बैलेंस हो रहा है या क्लेद का इम्बेलेंस हो रहा है तो धनिया का है धनिया जीरा फांटम देते हैं वो दीपन पाचन में करता है मूत्रल भी है और शरीर में क्लेद को बैलेंस कर देता है पटोल भी इसी तरह से आता है शुश्रुत संहिता अगर हम लोग देखेंगे तो त्रिशाहर 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 कौन से गण बताए हर श्लोक के अंत में या आगे पीछे त्रिशाहर शब्द बताए तो सारीवादी गण परुषकादी गण उत्पलादिगण गुडुच्च्यादि गण और त्रप गण ऐसे बताया गया है इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे द्रव्य बताए हैं अपने ग्रंथों में जैसे कि वंशलोचन है वह भी त्रिषाह बताया लवंग है बड़ी इलायची एला, एला, लाजा, लाजा मतलब जो हम खिल खाते हैं दिवाली में वो फिर इक्षु गन्ना फिर दही मधुरस मधुर रस और यह मधुर अम्ल रसात्मक फल जो है जैसे कि नींबू है संतरा मौसमी फिर इमली ये सब अगर इमली का पानक आप पिएंगे इमली का, का आ, मतलब शरबत तो उससे प्यास का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है मौसमी संतरा ये सब कैसे खट्टे और अम्ल मधुर और अम्ल ये प्यास को ठीक कर देते हैं अतिविशा है इस सब गोले ये त्रिषा नाशक द्रव्य बताए हैं और हमें चिकित्सा में अब जैसे किडनी फेलियर के पेशेंट आते हैं उनको बहुत प्यास लगती है उनका अगर डायलिसिस हो गया बहुत प्यास लगती है तो हम क्या दवाई दें तो हम लोग ये दवाई देते हैं एलोपैथी में क्या है वाटर इनटेक कितना है वाटर आउटपुट कितना है उस पर वो पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स और ये पानी ये सब बैलेंस करते हैं लेकिन लोग प्यास से मर जाते हैं अगर डॉक्टर ने कह दिया ना नेफ्रोलॉजिस्ट ने कि कही लीटर पानी पीना है और ए में नहीं रहना है लोग सच में फॉलो करते हैं और प्यास की वजह से ही मर जाते हैं क्योंकि ऐसे बोला है कि आ, आ, कौन सा स्त्रोत अवरुद्ध हुआ तो तुरंत मृत्यु होती है तो उदक व स्त्रोत अगर वो अवरुद्ध हो गया तुरंत मृत्यु होती है प्यास से इंसान मर जाता है तो आयुर्वेद में बोला है प्यास लगे तो पानी पीना है अति पानी नहीं पीना है हीन नहीं पीना है मिथ्या नहीं पीना है जो पीना है वो हिसाब से पीना है वो जरूरी है तो तृष्णा जो है एक स्वाभाविक लक्षण है और स्वस्थ अवस्था में शरीर में जब उदक भाव की कमी होती है पानी की कमी होती है तो प्यास लगती है कभी कभी कोई व्याधि के वजह से भी भूख लग प्यास लगती है मेडिसिन की वजह से भी प्यास लगती है या फिर कोई अन्न खा लिया सूखा चीज खा लिया तो बहुत प्यास लगती है <coughs> और जब शरीर में पानी मिल जाता है उदक भाव मिल जाता है तो प्यास नहीं लगती है जब कम होगा तो प्यास लगेगी उसी तरह से स्त्रोतोरोध होगा उदक व स्त्रोत में तो फिर प्यास लगती है तो प्यास लगने के लिए गला सूखता है कंठ सूखता है तालु मुख ओष्ट ये सूखने लगता है तो प्यास का अनुभूति होता है तो इसमें ऐसा बताया गया है कि पानी की कमी है ना और इसमें आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो कुछ बोल सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ Uh, कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं एक मिनट रुकिए मैं देखता हूँ अनम्यूट कर पा रहे हैं आप लोग के के पास कोई केस है डिस्कस करने के लिए तो करिए मैं तो बताते ही रहूंगा आप लोग को प्यास लगने के भी कारण बताए बहुत सारा कि अगर शरीर के द्रव्यों की कमी होगी पूरे बॉडी में तो जब हम कोई फ्रूट का जूस देते हैं शरबत देते हैं तरल पदार्थ जैसे शीर देते हैं तकर देते हैं लस्सी देते हैं छाछ देते हैं तो हमारा प्यास ठीक हो जाता है या फिर कोई व्याधि है जो विष से उत्पन्न है तो उसकी वजह से पित्त और वायु का प्रकोप होने की वजह से जब हम पित्त वात शामक दवाइयां देते हैं तो उससे वो जो प्रकोप हुआ है वो शांत हो जाता है और तृष्णा को दूर कर देता है या तिक्त रस वाली दवाइयां जो हैं वो अपने प्रभाव से और तिक्त रस वाली शीत शीतवीरियात्मक होती हैं तो पित्त का शवन करके तृष्णा को दूर कर देती है इसी तरह से सिराओं में अगर मधुर रस प्रदान किया जाए सिराओं में जैसे हम लोग ये से कुछ आईवी देते हैं तो तृष्णा की उग्रता कम हो जाती है हम लोग देते हैं नॉर्मल सलाइन या डीएनएस देते हैं जो भी देते हैं ना उससे जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है तो उससे शुग, शुगर भी जाता है ग्लूकोज भी जाता है और पानी भी जाता है तो प्यास कम हो जाता है या फिर ज्वर आदि दीर्घकालिक जो चीरकालिक कालिक व्याधि है उसमें रक्त का द्रवत्व कम हो जाता है मात्रा कम होने की वजह से तृष्णा लगती है तो ज्वर शामक क्रिया जब हम करते हैं तो शांत हो जाता है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया रक्तस्त्राव हो गया उसकी वजह से तृष्णा लगती है तो हम वहां पे अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें या पानी इलेक्ट्रोलाइट डालें तो फिर वो प्यास जो है वो शांत हो जाता है या कभी अगर हमने बहुत मीठा खा लिया या बहुत कटु रसात्मक चीजें खा लिया तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है और वो पानी पीने से ही शांत होती है पानी जो है जल है वो आश्वास कर में श्रेष्ठ बताया गया है इसी तरह से ज्वर हो गया श्वास में तृष्णा बहुत ज्यादा लगती है तो हम अप धातु की पूर्ति करने के लिए जो भी फ्लूड देते हैं उसे पानी से वो ठीक हो जाते हैं या फिर शीत वस्तु का संपर्क करें परिचय करें अवगाहन करें तो तृष्णा शांत हो जाता है या फिर शरीर में अम्ल या क्षार ज्यादा बढ़ जाए तो प्यास बहुत ज्यादा लगती है तो अम्ल और क्षार को बैलेंस बैलेंस कर दिया तो उससे भी तृष्णा का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है और आप लोग कुछ बताइए प्लीज प्रीति मैम कविता मैम कोई केस डिस्कस करिए प्लीज तनिका मैम आप कुछ पूछना जा रही थी उस टाइम तनिका मैम आप अगर सुन पा रही हैं तो कृपया जी जी सर सर प्रणाम सर प्रणाम बताइए मैम सर हां जी सर वो जो आपने वो लिखा था ना वो मराठी में मुझे समझ नहीं आया सर, वो इसलिए पूछ रही थी जी एक और चीज मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा अब ये मराठी वाला मैं बताता हूं पहले मिनट एक मिनट एक मैं के आता इसमें बताया गया है कि छोटे बच्चे के जो पेरेंट्स हैं अभी छोटे बच्चों को हम परहेज बोलेंगे तो छोटे बच्चे थोड़ी ना परहेज करेंगे उनको क्या मालूम है तो उनके पेरेंट्स को कुछ नियम पालने अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए तो इसमें बताया है कि कभी भी पेरेंट और ये जो है ना आप लोग लिख लीजिए या पढ़ लीजिए समझ लीजिए मराठी डिफिकल्ट नहीं है तो आप लोगों को ये टाइप करके अपने हर पेशेंट मतलब बच्चों के पेरेंट्स को देना है इसका हिंदी वर्जन भी है मेरे पास मैं कल परसों दे दूंगा है ना इसमें बताया गया है कि छोटे बच्चे जो है जिसके भी छोटे बच्चे हैं उनको जब तक बच्चे भूख लगने पे खाना नहीं मांगते हैं कुछ नहीं मांगते हैं तब तक खाना नहीं देना है उनके लिए उनके पीछे पीछे नहीं भागना है कि आप खाओ 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 ये गलत बात है तो ये फर्स्ट है आप लोग देखते जाइए अपना ग्रुप देखिये दिसंबर का नवंबर का दिसंबर का ग्रुप बन चुका है जो लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भरिए तो आप लोग देखिए आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं आपके मोबाइल मैं ट्राई कर रही थी वो पेमेंट हो ही नहीं रही है दो तीन बार ट्राई किया है तो कोई और ऑप्शन है सर ये तो नवीन सर बताएंगे तब भी मैं डाल दूंगा ऑप्शन एक वो दूसरा है आईएफएससी कोड वाला वो मैं डाल दूंगा ठीक है तो भूख क्यों नहीं हो रहा है वो मैं नहीं बताऊंगा मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि ऐसे कर सकते ठीक है तो जब तक तो आप लेकिन वो देखिए अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बाकी चीज बाद में अभी कोई डिस्टर्ब नहीं रहा अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिए पहला लाइन का मतलब है कि जब तक तो भूख लगने के बाद खुद नहीं मांगे तब तक खाने को नहीं देना है खाना खाने के लिए पीछे नहीं पड़ना है बच्चों के कि खाओ 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 उसके बाद में बताया कि सुबह स्नान करने के बाद ठंडी हो या बरसात हो स्नान करना जरूरी है स्नान करने के बाद पूरा शरीर को पोच के टॉकवेल को लगा के फिर तभी बाथरूम से बाहर लाना है है ना ऐसे बच्चों को बाहर नहीं लाना है पूरा सुखा के बच्चों को तभी लाना है और स्नान करना बहुत जरूरी है बच्चों को तीसरा बताया है कि दूध नहीं देना है अगर जो लोग बच्चे को दूध दे देते ना सुबह कफ काल में छह से दस के बीच में वो गलत है सुबह नहीं देना है दूध और दूध में जो अगर चाय पीना है बच्चों को तो अदरक डाल के सुबह शाम चाय दे सकते हैं चौथा बताया गया है कि चॉकलेट बिस्किट टोस्ट खारी यहां बोध महाराष्ट्र में चलता है टोस्ट जैसे ही रहते हैं ऐसे बेकरी के पदार्थ फिर इडली डोसा चाइनीज पिज्जा बर्गर जो फर्मेंटेड चीजें हैं या मसाले दी मसाले वाले पदार्थ हैं वो बच्चों को नहीं देना है ये जो देते हैं माता पिता या बच्चों का डिमांड होता है कि हमें चॉकलेट खाना है बिस्किट खाना है रोज खाना है इडली डोसा खाना है चाइनीज खाना है पिज्जा बर्गर खाना है गलत है और सॉस और जैम नहीं देना है बच्चों को नहीं देना है सॉस और जैम जो देते हैं वो बीमार डालते हैं और वो डॉक्टर पास आते हैं लेकिन हमें ये काम करना है कि जब भी हमारे पास बच्चे है तो उनको मना करना है कि नहीं देना है दही नहीं देना है बच्चों को क्यों नहीं देना है तो दही से कफ का वृद्धि होता है फ्रूट्स बंद कर देना है अभी वो फ्रूट्स कब बंद करना है जब बार बार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं constant... उनको फ्रूट्स उस टाइम के लिए बंद कर देना है फिर बताया कि मीठी चीजें नहीं देनी है मिठाई तो बिल्कुल भी नहीं देनी है बच्चों को जो पेड़ा खाते हैं लड्डू खाते हैं या गुलाब जामुन खाते रसगुल्ला खाते हैं ये सोन पापड़ी खाते हैं बच्चों को मिठाई नहीं देना है मीठी चीजें नहीं देना है अगर देना ही है बच्चों को तो घर में बनाए हुआ ताजा खीर दे चावल और दूध से बनाए हुआ ताजा खीर कभी कभी दे और उसमें लवंग और इलायची ये डाल के दे बच्चों को क्या देना चाहिए ये बताया है तो रोज बच्चों को रोटी सब्जी दाल चावल सादा खाना देना है और बच्चों को आलू नहीं देना है टोमेटो नहीं देना है बच्चों को टोमेटो अम्ल रस जाने से तकलीफ होती है रक्त की दृष्टि होती है बच्चों को टोमेटो आलू फिर ये शुगर ये शकरकंद जो रहता है स्वीट पोटैटो और बैगन बैगन नहीं देना है बच्चों को और स्वीट पोटैटो नहीं देना है क्या देना है तो मेथी का पराठा मेथी को वैसे पीस के या फिर मेथी को काट के छोटे छोटे उसका थेपला मतलब पराठा या फिर मूली का पराठा फुल गोभी पत्ता गोभी का पराठा ऐसा ताजा बना के उसी तरह से उपमा देना है और जो खिल से बनाया हुआ जो चूड़ा होता है खिल से बनाया हुआ घी वाला वो अगर दें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है पानी बॉईल करके ठंडा किया हुआ देना है और बच्चों को जो चावल देना है अभी क्या है बच्चे ब्रोंकेल अस्थमा वाले बहुत आते हैं या फिर बच्चों को कृमि पड़े रहते हैं बच्चे बीमार रहते हैं हर समय सर्दी जुकाम खांसी ये सब होता है उनके लिए ये नियम है जो बच्चे स्ट्रांग है उनके लिए नियम नहीं है जो बच्चे बीमार पड़ते हैं उनके लिए और चावल करने के पहले वो जो चावल है सूखा चावल उसको पहले भून देना है पहले पानी में भिगो के और फिर सुखा दीजिए सुखाने के बाद पूरा सूख जाए ड्राई हो जाए फिर उस थोड़ा सा घी डाल के और वो पहले चावल को भून देना है फिर उसका भात बनाना है उसको पानी डाल के फिर वो बना के भुना हुआ चावल का अगर दें तो फिर बहुत सारी बीमारियों को हम जल्दी रिकवर कर सकते हैं हाँ अब ये इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए पल्लवी मैम तनिका मैम ये हमारे सर का है सर ने बनाया है सर बोलते हैं मैं जो भी पत्थर बताता हूँ ना बनाता हूँ इसके लिए छह महीना लगता है सोच सोच के बनाता हूँ बोलिए सर शक्ति सर कुछ बोलिए जो भी बच्चों पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको ये फॉलो करना है पेरेंट्स के लिए ये बताना है कि चॉकलेट मत दीजिए बिस्किट मत दीजिए क्रीमी का चिकित्सा करें तो आपको ये सब नहीं देना है दूध नहीं देना है बच्चों को अस्थमा ठीक करें खांसी ठीक करें ये सब फॉलो कराना है या सब फॉलो कराना है किसी को कुछ बोलना है क्या तनिका मैम आपने कुछ और भी बोला था कनिका मैम हाँ आपका म्यूट हो गया प्रीति मैम बोलिए सर बोलिए मेरे, मेरी छोटी बेटी है दो साल की थी ना हाँ तो वो वो बच्चे मानते नहीं है उनको तो फिर जब भी ये चीजें खाती है ना बिस्किट वगैरह फिर उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है हाँ तो ये आपके लिए खास आप आप फॉलो करिए जी सर जी मैं भी डेफिनेटली फॉलो तो खाने दीजिए ना खुद ही भूख लगेगी तो सब तो ही, उसको बोलती है, जी चाहिए मुझे, वो खाना नहीं तो आप मत खाए ना फिर जब भूख लगेगी तब तो याद आएगी ना दादी नानी याद आ जाती भूख लगती है तो।, तो जब ट्राई करूंगी कल पक्का छुट्टी के दिन ट्राई करिए खाना नहीं देना है उसको बोलना बिस्किट बन खाना है तो यही खाना है नहीं तो नहीं खाना

बच्चों को नाराज भी नहीं करना है मेंटली डिप्रेशन में भी नहीं डालना है में भी डालना धीरे धीरे बदलना है सब जी जी सर पक्का जी ठीक है डॉक्टर प्रीति जी सीमा मैम कुछ बोलिए आप लोग तो स्वीट पोटैटो नहीं देने का क्या कारण है स्वीट पोटैटो खाने से कफ बढ़ता है मोटापा आता है

सर वो मेरी पेशेंट थी ना जिसका पीरियड रेगुलर था तो उसको अभी आज उसका कॉल आया था तो वो बोल रही थी कि मैम मुझे पीरियड्स आ गए और इस बार उतनी प्रॉब्लम नहीं वेरी वेरी गुड गुड आपने क्या so, क्या दिया था वो बताइए मैम सर मैंने उसे अभी तो स्टार्टिंग चंद्र प्रभावती दी थी और साथ में दाड़ीमादी ग्रह दिया था और आ, कुमारी आसप दिया था सर जी तो ये दवाइया चार दवाई में क्या दवाई से मैं आपको क्या लगता है खासकर को चंद्र प्रभावटी ने काम किया मतलब आरोग्य वर्धनी और चंद्र प्रभावटी तो साथ में कुमारी क्या काम किया वो तो, तो अपान वायु पे चंद्र प्रभावटी ने काम किया श्रोतरोध ओपन हाँ, हाँ, करके का पाचन करके हाँ आम का पाचन करके श्रोतरोध ओपन करके हाँ तो तारी उससे मुझे ने रक्त को अच्छा किया रस को अच्छा किया स्नेहन किया कुमारी सब ने भी जी उसको थी, तो भूख भी बढ़ गई है लेकिन अभी ये रेगुलर रहे सर तो इसके लिए क्या फिर ब्रेक करना है और कुछ ऐड नहीं करना होगा सर इसमें अगर इसी से आ रहा है तो आपको ऐड करने का जरूरत है क्या दाढ़ी माधिक्री जाने दीजिए ना कुमारिया जाने दीजिए दीपन पाचन होगा थ्रो दूर को ठीक है ना है? जो है वो स्टिमुलेशन देते हैं पे यूट्रस सर लेकिन सारे पेशेंट को यही दवाई मत दीजिएगा सभी को यही देंगी तो फिर वो फेलियर होगा कुछ सी को कुछ और भी देना पड़ता है जैसा हेतु वैसा अब ये पेशेंट में हेतु क्या मिला था आपको सर वही था कि रात्रि जागरण होता है और स्टूडेंट है और थोड़ा सा बाहर का खान पान भी ज्यादा था तो ये सब आपने बंद कराया होगा हाँ ये सब तो सर बंद कराया अब लेकिन कह रही कि अभी उतना अब तो नहीं कर पा रही है जैसे कि दस साढ़े दस जाता कही थी सोने में तो सुबह उठना उसी हिसाब से थोड़ा सा छह साढ़े छह बजे तक होता है मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा और कोशिश करो कि टाइम से खाना खा के सो जाओ एक तो पीजी में रहती है सर जी तो थोड़ा सा ये भी कि वो वहां पे लेट ही खाना पीजी का तो बहाना ये कुछ नहीं होता है सुबह मैंने भी पढ़ा है हॉस्टल में मैं सुबह उठ के पढ़ता था

So, दाढ़ी मादी गृह के रिजल्ट बड़े अच्छे हैं एक एक मेरी पेशेंट थी तो एकदम मतलब बिस्तर पे थी अब उनके जो बेटे थे वो मुझसे कह रहे थे मैडम दवाई दे दीजिए सोच रही थी कि ऐसा लगा था कि अब जा, मतलब काफी एजेड भी थी एटी फाइव के करीब मुझे लगा कि कहीं बेचारी निकल जाएंगी तो मैं मेडिसिन कैसे दू तो मैंने उनको दिया मैंने उनको बस दाढ़ी मादी गृह और एक दो मेडिसिन और दी थी तो उनका इतना अच्छा हुआ कि उनको भूख लगने लगी वो खुद से खाना मांगने लगी फिर धीरे धीरे चलने लगी तो दाढ़ी वाले घटक का काफी अच्छा रिस्पांस है जी और ये पेशेंट जो हैं इनको एमेनोरिया कितने दिन के बाद ठीक हुआ आपके दवाई से अह सर मैंने इनको दी थी ये एटीन या 19 को दी थी मेडिसिन ये तो अभी ना ये हाँ, जब सर. आपके पास आई थी तो कितने दिन से था इनको प्रॉब्लम और नहीं सर दिन? इनको तो स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम था सर मतलब इनकी मदर मिली थी मुझे जी। तो इनकी मदर ने बताया था कि जब से उसको स्टार्ट हुआ है हमेशा ये ही कितना साल, था। कितना साल? वो हुआ था नाइन्थ क्लास में पढ़ती थी सर, वो, अभी इस वो 22 है। अच्छा मतलब आपने आठ साल का होता था तो वही लेट लेट होता था अभी उसको ठीक है कितने साल का प्रॉब्लम है टोटल कितने साल का प्रॉब्लम है

साल तीन नहीं साल ऐसे मैंने कर तो पहले ही उनको काउंसलिंग कर रखी थी कि इसमें टाइम लगता है तो अभी जैसे पीरियड आपको दवा लेते आ जाएंगे लेकिन आपको ये मेडिसिन स्टार्ट कर रखनी पड़ेगी कम से कम तीन या छह महीने तक के लिए अच्छा नहीं एक नहीं। अभी उनके है क्या? स्विंग इस है बार तो, बताइए तो था कह रही थी जैसे पिछली बार तक थी मुझे तक होता था, तो उतना नहीं है फर्स्ट और सेकंड डे पेन रहा और पीरियड्स इस बार क्लियर आए थे लास्ट टाइम तक जैसे आते थे क्लॉटेड आता था तो क्लॉटेड नहीं था क्लियर पीरियड्स तो आप अगर दो तीन देंगी क्या मैम दो मतलब दो दिन स्टार्टिंग में पेन हुआ था क्या ही थी? फिर तीसरे दिन से नहीं हुआ पेन अगर आप दो तीन महीना कंटिन्यू दाढ़ी घृत देती रहेंगी तो जो एक समय ऐसा पें, मेंसेस कुछ भी पेन नहीं होगा खुल के आएगा पांच दिन अच्छे से आएगा पूरा निकल जाएगा कुछ पेन भी नहीं होगा एकदम अच्छा फ्रेश लगेगा पूरा उनको बताइए दाढ़ी घृत का जरूरत है

हाँ सर वो मैं समझ रही दूसरा बात है कि आपने अच्छे से संप्राप्ति समझा हेतु समझा तो मैंने उनको नस भी दिया था मुझे साथ में स्टार्ट रखूंगी ना हाँ हाँ ठीक हाँ. है तो उनको आप एक दो महीना बाद देखेंगे ना तो आप बोलेंगे कि वो हेल्थ भी इंप्रूव हो है उनका अग्नि भी अच्छा हो रहा है और वो लड़की का सुंदरता भी बढ़ेगा पूरा जैसे जैसे ठीक होते जाएगा तो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर होती जाएगी और अच्छा और अच्छा धातुओं का पोषण और अच्छे से होगा सब आप इतना बढ़िया काम करिए सच में थैंक यू सर आपकी वजह से ही जी रहे हैं आप इसी तरह से फीस लेंगी प्रॉमिस करिए सभी से फीस लेंगी और फीस बढ़ाएंगी भी लोगों से ज्यादा लेंगी

जी ठीक है मैम कॉन्ग्रेचुलेशन मैम थैंक यू सर हाँ और बताइए और ये नहीं बोलना है कि पेशेंट पैसा नहीं देते पेशेंट ये नहीं करते आपको आदत डल रही है थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा गरीब पेशेंट हैं गरीब है तो, तो दो, दो रुपया भी नहीं दे सकते क्या दस रुपया भी नहीं दे सकते क्या बात इंटेंशन का है अब आप जब कर रही हैं तो वो कम दें लेकिन दें हमारा मेहनत का दें जी सर सब लोग नमक तो खाते हैं चीनी खाते हैं पेट्रोल का यूज करते हैं तो वहां पैसा नहीं लगता क्या केवल डॉक्टर प्रीति को देने के लिए गरीब हो गए बाकी चीज के लिए ठीक है आपको देना है वो मैं ये नहीं बोलूँ कि आप एक लाख लीजिए दो लाख लीजिए लेकिन आपको लेना है फीस सर हाँ जी मैम और दूसरा बात है कि रिलेटिव का इलाज नहीं करना है बुरा लगे oh, तो लगे लेकिन रिलेटिव का इलाज नहीं करना है रिलेटिव को किसी और के पास भेजना है और उनको फोन करना है कि इनसे फीस लो तब आपकी कीमत समझ आएगी और पड़ोसी का इलाज नहीं करना है <laughs> ये ये बेसिक चीज है और ज्यादा क्लोज नहीं होना है पड़ोसी से ये सब से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है जी ठीक है थैंक यू मैम थैंक यू, यू सर हां और किसी को कुछ पूछना है बताना है हेलो सर हाँ जी मैम हाँ सर मेरा एक सवाल है जो स्कल सोरियासिस के पेशेंट रहते हैं सर उसमें हाँ। हमको ऑयल लगाना नहीं।, नहीं 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 वो ऑयल जो होता है ना स्काल हाँ सूर्यसी में ऑयल कहाँ एब्जॉर्ब होता है भ्राजक पित्ती विकृत हुए वो तेल आप डालेंगी उसका पाचन कैसे होगा वो और ज्यादा बढ़ा देता है नहीं करना है तेल हाँ, हाँ, हाँ। तो उस उस पे हम कुछ लगाने को दे सकते हैं पाउडर वगैरह हाँ उद्वर्तन कर सकते हैं कुटज हाँ। स्किन के लिए स्किन में अगर और स्केली स्किन रहेगी तो मैं इंद्रय और कपिला का पाउडर देती हूँ हाँ। तो उससे अच्छा फर्क पड़ता है लेकिन काल्प में वो दे सकते हैं क्या हम हाँ दे सकते हैं वहां भी तो त्वचा है ना लेकिन हाँ। अगर आप तेल बोध के रख देंगे पूरा ऐसे भर के रख देंगी वहां पे भ्राजक पित्त विकृत हुआ है वो कैसे काम करे कैसे पा, पाचन कैसे होगा तेल का जो भी आप डालेंगी वो और बढ़ जाएगा हम्म समझ में थैंक यू हाँ ऐसे बेसिक चीज पे ध्यान नहीं ना तो फिर कभी गलत नहीं होता है uh -huh. जी मैम आप आप कितना अच्छे से कर क्या इंद्र क्या बताइए इंद्र इंद्रय पल्लवी मैम हम नहीं? आपको आपको देख सकते हैं क्या कि आप कौन है अगर आपको अभी, अभी अभी मैं खाना खा रही हूँ आप कभी तो हमें दिखाएगा हमें देखना है कि इतनी इंटेलिजेंट लड़की वो भी मुंबई में दादर में प्रैक्टिस करती है कौन है आप हमें देखना है आ, सर सर आज नहीं फिर फिर कभी सर, फिर कभी लेकिन जरूर देखना है कभी तो दिखाइएगा ठीक है सर ठीक है थैंक यू ओके थैंक यू हाँ और किसी को कोई केस पूछना है या बताना है पूछिए बताइए प्लीज शैलजा मैम विनीता मैम शक्ति मोहन जी संजय विश्वकर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं आप सर नमस्ते सर हाँ जी बोलिए मैम थोड़ा सा ये पूछना था कि जो माउथ अल्सर होता है एक बार आपने सर बताया था कि उसमें आ, क्या वो कुछ घिसके लगाना है या कुछ चूर्ण का एप्लीकेशन बताया था सर आपने एक बार आ, त्रिफला चूर्ण जो है वो कशायरस से रहता है ना तो त्रिफला चूर्ण या यष्टि मधु या हल्दी यष्टी मधु सबसे अच्छा हील करता है मेम्ब्रेन को अच्छा कर देता है यष्टी मधु को ऐसे लगा के रखना है या यष्टी मधु की लकड़ी को चूसना है या त्रिफला लगा दिया ना, ना तो वो हील हो जाता है जी सर या त्रिफला चूर्ण या फिर मुलेठी वो जो है मधु चूर्ण या उसको लकड़ी को चूसना है तो उससे सर जो अल्सर है वो हील हो जाता है प्रॉपर है ना हाँ ये तो ऊपर हो गया इंटरनली भी देना पड़ता है क्योंकि मुंह में अल्सर है मतलब पेट में भी अल्सर है तो पित्त क्यों बढ़ा है तो मिर्ची खाया क्या लहसुन खाया क्या? क्या क्या है वो, देखना चाहिए। जी जी जी। वो वही में है तो जो, जो ना उसकी प्रिकिंग से उनका बन गया है मतलब शार्प अपने ही दांतों से उनके वहां पे चीज के लोअर पोर्शन पे मतलब इंफीरियर अंदर की तरफ तो उसकी वजह से घाव हो गया है और इधी तेल या नॉर्मल तिल तेल का कवल गंडूस करना है जी फायदा होता है नहीं हमें से, 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 थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू मैम या त्रिफला क्वात का कवल गंडूस जी थैंक यू मैम और कोई कुछ बोलना चाहते हैं सीमा मैम शक्ति मोहन जी कुछ बोलिए आप लोग जी सर नमस्ते जी मैम बताइए सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे बच्चों को बैंगन मना किया है देने के लिए आपने अभी चार्ट में जो देख के बताया था तो ये क्या पित्त बढ़ाएगा इसलिए कि ये कोई और वजह भी है बैगन जब आप बनाती हैं तो उसमें मसाला के बिना बैगन बनता है क्या नहीं बनता सर तो वही गरम मसाले बच्चों को जो खिलाया जाता है ना उससे पेट का प्रॉब्लम रहता है उनको हर समय इसलिए बैगन इसलिए मना किया बाकी बैगन तो अच्छा है उसमें मसाले बहुत ज्यादा डाले जाते हैं इसलिए मना किया चिकित्सा में चक्रपाणी ने बैगन का सूप बोला है बैगन से प्रॉब्लम नहीं है मसालों से प्रॉब्लम है ठीक से। जी और बिना मसाले का आप बैगन खाई नहीं सकती हैं ऐसा सब्जी बिना मसाले का टेस्ट ही नहीं आता है हाँ जी जी ठीक है शैलजा मैम आप कुछ बोलिए हाँ जी प्रणाम सर सर एक पेशेंट है उसके कॉर्न है तो उसके लिए क्या करना चाहिए अग्नि कर्म सबसे श्रेष्ठ है या शार कर्म शार कर्म करना चाहे तो सज्जी क्षार यार अपामार्क शार, शार मिलता है आपको टंकन क्षार वो लगा दीजिए उससे फायदा हुआ नहीं तो अग्नि कर्म कर दीजिए ठीक है और ओरली मेडिसिन में कोई कुछ साथ में कॉर्न के लिए तो ऐसे कुछ नहीं होता मास पाचक में तो पाचक दे सकते हैं पेन है तो महायुगराज गो गोल त्रयोदशा लाक्षा गो गो लाभा ऐसे पेन कम करें लेकिन उसके लिए तो अग्निकर्म ही अच्छा है विनीता मैम मैं सही बोल रहा हूँ ना अग्निकर्म का विनीता मैम सुन रही हैं क्या शायद खाना खा तो रही वर्कशॉप किया है ना उनको ज़्यादा मालूम है जी सर हाँ आप बताइए कौन से शलाका से करना चाहिए कॉर्न को अग्निकर्म कॉर्न में सर लोह या पंच धातु की शलाका से करना होता है जी। जी सर। जी अगर आपको डर लग रहा होगा अग्निकर्म करने से तो आप वर्कशॉप वाला वीडियो देख लीजिए नहीं तो मैं डालूंगा कौन का मैंने कैसे अग्निकर्म किया मैं मेरा मेथड हाँ, तो हाँ और कोई कुछ बोलना चाहते हैं पूछना चाहते हैं आरती मैम कुछ बोलना चाहती हैं डॉक्टर आरती शर्मा मैम कोई केस बताइए प्लीज मंगला मैम तनिका मैम जागीर जी डॉक्टर महेंद्र सर मनीषा मैम कुछ बोलिए आप लोग सविता मैम बोलिए बोलिए सीमा मैम कुछ बोलना चाहती हैं। जी सर सर मैं ये पूछना चाह रही थी जैसे हम नस्या करते हैं तो उसमें कोई एसेप्टिक सेप्टिक रखनी है कि पेशेंट को बोतल में डाल के दे दो, दो भी आप घर पे भी डाल सकते हैं वो आपका जो मेडिसिन है वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है ठीक है सर सर जैसे आपसे मैंने मंगाया है अभी जब आ जाएगा तो वो बॉटल में डाल के पेशेंट को दे सकते हैं हाँ दे दीजिए वो क्योंकि आवर्ती वाला है ना वो खुद ही हाँ, इतना अच्छा है कि सिद्ध है ना तो उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता जी सर थैंक यू सर जी थैंक यू मैम और कोई कुछ बोलना चाहते हैं पूछिए बताइए आरती मैम मंगला मैम कोई केस मंगला मैम बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछती हैं हां शक्तिमोहन जी बोल रहे हैं कि शक्ति मोहन सर आप पूछ रहे हैं कि दाड़ीमादी गृह लेने का तरीका दाढ़ी क्या दीपन पाचन करने के बाद एक एक दो दो चम्मच खा सकते हैं उसमें बोला है आप इसमें पांडु रोगाधिकार में पढ़िए चरक संहिता में पांडु चिकित्सा में उसमें एक शब्द बोला है कि दाड़ीमादिगृत खाने से बंध्यत्व ठीक होता है वंध्यत्व का व्यापक रूप देखे तो अमेनोरिया भी आता है सेकेंडरी एमिया प्राइमरी एम्यनोरिया में दाड़ी मित रस और रक्त को प्रसादन कर देता है स्नेहन कर देता है स्त्रोतस को खोल देता है तो इसलिए बंधत्व ठीक होता है तो ठीक हो जाता है जी और कोई कुछ बोलना है जागीर जी बोलिए प्लीज वर्षा मैम मनीषा मैम कुछ बोलिए आप लोग कोई केस बताना है पूछना है हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहते हैं मनीषा मैम बोलिए हा सर हाँ सर बताइए सर कैसे है आपकी तबियत मेरे को ना सुबह सुबह फीवर आ रहा है रोज इसलिए मैं सुबह का अभी मैं कुछ दवाई लिया हूँ आज सोते टाइम लूंगा तो कल मुझे फीवर नहीं आएगा ऐसा मैंने सोचा है अभी देखते हैं सुबह ही सुबह मुझे ना वायु का काल शुरू होता है ना तभी बहुत तेज बुखार आ रहा है रोज जिसकी वजह से मैं उठ नहीं पाता हूँ पूरा बॉडी एक होता है हेडेक होता है सर्दी जुकाम होता है बहुत ज्यादा तेज फीवर आ जाता है अभी मैंने कुछ दवाई लिया मैं बताऊंगा मैंने क्या लिया जी जी और सर, किस बरोडा बरोड़ा से क्या बरोड़ा से बरोड़ा से डेंटल में आए लड़की जी तीन साल हुआ है डेंटल उसको उसको कोई दिक्कत है और कल वो संभासा में आपसे बात कर सकते हाँ सर जरूर तो यही लिंक पे हाँ हाँ जी हर लेक्चर के पहले एक तो सर आप ये दिसंबर वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ना सर कर लिया सर हाँ तो फिर हर लेक्चर के पहले लिंक दिया जाता है तो वही लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं आप कॉपी पेस्ट करके दे दीजिएगा हाँ तो वह मैं दे दूंगा उसको जी सर ठीक तो है मनीषा मैम कुछ बोलना चाह रही थी आप डॉक्टर मनीषा सिंह मैम आपने अनम्यूट किया था अच्छा आप लोग ये देखिए हम लोग जब दवाइयां देते हैं ना तो कुछ दवाइयां पित्त का प्रसादन करती हैं पित्त का प्रसादन का मतलब है कि अच्छा क्वालिटी का पित्त बनना चाहिए जो पित्त को शुद्ध कर देता है तो ऐसा परिभाषा होता है कि जो द्रव्य अपने गुण और प्रभाव से पित्त की क्रियाशीलता को बढ़ाता है आमाशयगत जो पित्त है यकृत वाला जो पित्त है अग्नाशय से वाला जो पित्त है सब जगह से पित्त आ रहे तो उसकी मात्रा वृद्धि कर देता है और पित्त की क्रिया को समावस्था में रखता है वो पित्त प्रसादन द्रव्य ऐसा माना जाता है तो पित्त का प्रसादन का अर्थ है कि शरीर में जो पाचक पित्त है वो अलग अलग भागों में अम्ल तिक्त और कटु रस के उत्पादन से उसकी सहायता मिलनी चाहिए मतलब उसमें थोड़ा अम्लियता भी रहना चाहिए उसमें तिक्त रसात्मक भी रहना चाहिए वो पित्त और कटु रस भी रहना चाहिए तभी वो अच्छा काम कर सकता है तो ऐसा पित्त जो रहता है वह हमारा पाचन क्रिया को अच्छा कर देता है तो ये इसमें बहुत सारे द्रव्य रहते हैं जो पाचक पित्त का प्रसादन करते हैं मतलब पाचक पित्त अच्छा सिक्रीट करते हैं तो जैसे कि अनारदाना है सौफ है तुलसी है मिश्री है फिर नींबू है नींबू लेने से पाचक पित्त का सिक्रीशन अच्छा होता है भूख लगने लगती है फिर तेज पत्र है जावित्री है तालीस पत्र है जायफल है शुंटी है दालचीनी है सरसों है हम खाने में सरसों किस लिए डालते हैं पाचक पित्त का स्त्राव अच्छे से सीक्रेट हो फिर मुस्ता है कपूर है अजवाइन है अजवाइन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है दीपनीय गण में बताया फिर मेडिसिन में जीरा है जीरा का हम छौक क्यों डालते हैं कि हमारा पाचक क्रिया अच्छा रहे जीरा है फिर भारंगी है हरित की है अजमोदा है अजवाइन है और आशा वरिष्ठ जो रहते हैं वो हमारा पाचक पित्त का क्रिया को अच्छा करता है और जो मूवमेंट है उसको आशा वरिष्ठ अच्छा करते हैं कुछ द्रव्य जो रहते हैं वो यकृत को बल ले रहते हैं यकृत का वो ज्यादातर तिक्त और कटु रस वाले रहते हैं यकृत को बल देने वाले दवाइयों में कुटकी सबसे श्रेष्ठ है फिर कुष्ट है फिर कासनी है काली मिर्च है यकृत को बल देती है नाग केसर है जायफल है करचूर है इलायची है ये यकृत को बल देती है इलायची खाने से यकृत की क्रिया अच्छी होती है चित्रक है पुदीना पुदीना जो है वो कम मात्रा में रोज सेवन करने से ज्यादा लेंगे तो पित्त बढ़ाता है पुदीना का चटनी बहुत बोलते ना एसिडिटी होगा लेकिन कम मात्रा में लेंगे तो यकृत को वो बल देता है फिर दालचीनी है लवंग है केसर और ये सब जो दवाइयां हैं यकृत को बल देती है कुछ दवाइयां यकृत की शुद्धि करती हैं। अगर है यकृत में तो उसमें उशीर आता है पुनर्नवा फिर गुड़ुची द्रोण पुष्पी इंद्रायन चंदन ये यकृत का शुद्ध करता है और पित्त रस को बढ़ाता है पटोल पत्र कांचनार चव्य कुछ द्रव्य पैंक्रियास पे काम करते हैं जो कटु और तीक तरस वाले द्रव्य रहते हैं ना वो पैंक्रिया को अच्छा करते हैं अग्नाशय को प्रसादन करते हैं पाचक पित्त को अच्छा करते हैं तो वह अजमोदा अजवाइन जीरा कुटकी पिपली मूल पिपली उसी और इंद्रायन ऐसे जो द्रव्य हैं कुछ द्रव्य जो रहते हैं वो हमारा पेट को अच्छे से साफ करके और पित्त का स्त्राव अच्छा करते हैं यकृत अग्नाशय और आमाशय का तो अविपत्तिकर चूर्ण पूरा शेर को शुद्ध कर देता है पित्त को बैलेंस कर देता है पित्त का सिक्रेशन अच्छा होता है लेहम, का चून, है ना यह बहुत ही अच्छा रहता है इनको हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि पाचक पित्त का स्त्राव अच्छे रहे और भी बहुत सारी दवाइयां बनाते हैं तो हम लवण और शार डाल देते हैं जो पाचक पित्त को अच्छा से सीकृत करते हैं उसमें आता है शंखवटी महाशंखवटी लवण भास्कर चूंड चूर्ण वडवानल चूर्ण अग्निमुख चूर्ण अग्नि संदीपन रस वडवानल रस लोकनाथ रस कपर्धक भस्म सुधा सागर रस कुछ हमारे दवाइयां ऐसी बनाई गई हैं जो यकृत में पित्त का प्रसादन करती हैं। मैं जो भी बता रहा हूं ना हमारे जमदग्नी सर के नोट से बता रहा हूँ ये सर ने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है मतलब प्रैक्टिस भी और रिसर्च करके पित्त का प्रसादन मतलब अच्छा तरह का पित्त बनाना और एक तरह से टॉनिक पित्त को टॉनिक तो सूचेखर रस सुधा निधि रस स्वर्ण सुटेखर रस विद्याधराब्र रस मौक्तिक पिष्टि प्रवाल पिष्टि चंद्रकला रस ये सब रहते हैं अभी आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं शशि मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं सर अभी मैं किचन में हूँ आप किचन में है ठीक है अच्छी बात है आप काम करिए वर्षा तो मैम मनीषा मैम से बात करते हैं वर्षा मैम आप कुछ बोलना चाहती है सर, मैं भी में हूं। आप अच्छा अच्छा खाना बनाइए <laughs> जरूरी सर, है वो वो अभी, सर, अभी एक पड़ोस में ही थे वो आए उनके बच्चे को जॉन्डिस हो गया है तो वही लगता है कि पड़ोस में उपचार नहीं करना चाहिए पड़ोसी का कभी इलाज नहीं करना नहीं सर वो कितना भी यदि दस रुपए का भी ट्रीटमेंट करेंगे ना एक हजार का औषधि देंगे और दस रुपए यदि वो देंगे तो भी कहेंगे अरे बड़ा महंगा है यार और डेमोलाइज करते ठीक होने के बाद फिर कभी भी वो इसके मतलब अनुग्रहित नहीं होते हैं और आयुर्वेद को और उसको उनको हमेशा उसके लिए अभिनंदन करना चाहिए तो वो सब नहीं करते हैं ना उस चीज को लोगों को बताते हैं तो मान हानि भी होती है श्रेय का भी क्षय होता है यश भी नहीं मिलता और धन भी नहीं मिलता तीनों का नाश होता है इनसे जी, जैसे चरक ने बताया ना कि जब वैद्य के पास आप जा रहे हैं तो सब कुछ दो उसको जी, सब कुछ जी, और समर्पित भाव से जाओ जी, तब हम लोग किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर लेते हैं जी, और संकुचित भाव से और ऐसे जाते हैं तो नहीं होता तो वही लोगों को भेज रही थी नीचे जा रही थी मैं आपको एक अभी का बताता हूं। एक ना, मेरे को ना शादी का रिश्ता तो रिश्ता तो जलोदर हुआ है यकृत का पूरा फंक्शन खराब हुआ है और जलोदर हुआ है जो टैपिंग करके भी ठीक नहीं हो रहा है तो मुझे बहुत दया है कि अभी शादी का बात चल है और उनकी माता जी उठ भी नहीं पा रही है मैंने एक रुपया नहीं लिया और मैंने अपना दवाई भेज दिया उनको उनसे कहा कि आप दवाई लीजिए ठीक हो जाएंगे मैंने पीएचडी किया हुआ है उन्होंने एड्रेस लिया और वो दवाई मनमानी रूप से लेने लगे कि हम दो दो देंगे हम एक एक देंगे हम मुहूर्त देखेंगे छठ के बाद देंगे ये देंगे वो देंगे ठीक है वैसे जाने लग लगा लेकिन वो वैल्यू नहीं दे रहे थे मेरे को तो मैं उन, मैंने कहा दूध पे रखना है तो दूध नहीं पी सकती और फिर मीठा दे रहे थे डायबिटीज होने के बाद भी शकर दे रहे थे ये दे रहे थे वो, फिर मेरा दिमाग घूम गया मैंने उनके जगह पे एक डॉक्टर को भेजा कि वो एक देख के आएंगे आपके पास आप थोड़ा उनको दिखवा दीजिए और वो डॉक्टर को फोन किया कि आप उनसे पांच हजार कंसल्टेशन फीस अच्छा लो अच्छा फीस लेना जम के फीस और गूगल पे, पे पे पहले लो तब आप जाओ उन्होंने फीस दिया उनको वो डॉक्टर आए उन्होंने पांच मिनट देखा फिर वो चले गए तब इनको मेरा वैल्यू पता चला फिर मुझे फोन करके बोले रहे अरे आप तो कितने बढ़िया है, डॉक्टर हैं आप तो इलाज करे बहुत अच्छा हो रहा है हाँ हाँ, हाँ वो डॉक्टर साहब भी बोले थे कि ये ऐसा होना चाहिए तो ऐसा है दुनिया अगर हम अच्छा करते ना तो लोग ना सही नहीं समझते हैं फिर वो जब डॉक्टर को पांच दिया ना तब पता चला कि मैंने अच्छा इलाज किया ऐसा होता जी जी नहीं ऐसे भी यदि औषधि आप ले रहे हैं चिकित्सक से तो कुछ ना कुछ उसको देना है जैसे हम यज्ञ करते हैं तो वो सब कुछ नहीं रहता है, नहीं, में नहीं रहता है, देते हैं है। है। तो फिर वो फलित नहीं होता है लगेगा ही नहीं वो सब आज के दुनिया में वो मन में कुछ नहीं रहता कि हमें देना है कुछ नहीं रहता है कई अपने जी सर अपने कई चिकित्सक हैं जो वो प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं शुरुआती में कुछ नहीं लेते हैं ऐसा नहीं है। आप शुरू में ही अपना जो भी प्रभाव रखेंगे वही आपका आखिरी तक रहेगा जी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन आप दूसरा बात रहेंगे? है कि मैंने वो डॉक्टर को पांच हजार रुपया दिया तो मैंने कहा वो बोले हम आपको कितना दे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपको आप खुश हो रहे एक तरह से आप आयुष दर्पण पे लेक्चर सुनते हैं तो मैंने आपको ज्ञान भी दिया और आपको मैंने सिखाया भी कैसे पैसा लेना है तो अच्छा हुआ ना तो मेरे को क्या इसमें लेकिन अपना वैल्यू करवाना बहुत जरूरी है दुनिया में मुझे ये कहना है जी सर जी सर नहीं इस प्लेटफॉर्म पे आने से पे तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है और डेयर भी आया है कि अरे ये इतना लेंगे तो कैसे होगा नहीं। जो हमारा बनता है जुनून एलोपैथी के डॉक्टर को देते हैं होम विजिट का आयुर्वेद वालों को नहीं देते हैं ये बात का चाहते है नहीं जबकि हम उनको दो घंटा टाइम देते हैं एक पेशेंट को डेढ़ घंटा टाइम देते हैं और वो तो दो मिनट भी नहीं देते हैं वो घड़ी में देखते हैं दस मिनट है कितने पेशेंट है आठ दस है हाँ निपट जाएंगे फटाफट भेजो एक मिनट में एक पेशेंट का पांच सौ रुपए फीस जी, तो हमें कम से कम तीन सौ तो दो भाई हम डेढ़ घंटा देते हैं आपको हाँ भाई तो और आपको आजीवन के लिए स्वस्थ कर रहे हैं हाँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं कर रहे हैं जी तो आपको तो वैसे हमको एक हजार देना चाहिए होना ही चाहिए मैं कम मैं पेशेंट नहीं करती मैं मत आओ कोई बात नहीं हाँ हाँ आओ आपको यदि महंगा लगता है आप ये ये वहां सस्ता वाला आ, है। अपना जब करेंगे पूजा अर्चना पठन करेंगे अगले जन्म में आएंगे तो थोड़ा और अच्छे बन आएंगे। और क्या है ना उन्होंने पांच हजार रुपया दिया ना तो अब वो पूरा फॉलो भी हैं डाइट भी फॉलो हैं उनको अच्छा भी लगने लगा है और दवाई होता है ऐसा होता है दुनिया में ऐसी ही है मैम दुनिया में ऐसे ही चल पड़ता है हमारे ही समाज में जब मैं राजपूत समाज के अध्यक्ष थी उसके पहले वो अध्यक्ष थे वो आए सेवेंटी एट ईयर के थे और बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे और उनको अब बाहु भी था और बीपी शुगर सारी सारी व्याधियां थी उनको बिल्कुल एक कदम नहीं चल पा रहे थे कोविड के समय की बात है बहुत मुश्किल हो रहा था तो बोले कि जो भी लगेगा हमारा उपचार करो और वो परिचित है तो बड़ा मुश्किल जा रहा था बोले अंकल जी आपको ना बाहर जाके इलाज कराना पड़ेगा यहाँ तो बहुत मुश्किल है नहीं नहीं मुझे मालूम है तुम ठीक कर दोगे तुम ठीक है जितना फीस सबसे लेते हो उससे मेरे से ज्यादा लेना इतना सब कहे सब कुछ किए और बहुत अच्छे से उपचार दिए मतलब एक सप्ताह में वो चलने लगे और दस पंद्रह दिन में दो किलोमीटर चलने लगे सारी चीजें काम का भी आईसर का उन्होंने वो भी खोल रखा है और चला रहे हैं और इसके बाद जब दो तीन बार तीन महीने के बाद फिर उनको रिपीट करना था तो बोले कि आप लोगों को बहुत इसमें बेनिफिट मिलता है पचास परसेंट चालीस परसेंट फायदा होता है आयुर्वेद की दवाइयों में तुरंत मैंने पर्ची रखा बोले ये दवाइयाँ आप केवल से आएंगी आपकी अंकल जी और उसके बाद वहीं जाके इलाज कराइए रोक दिया मैं और अभी भी स्वस्थ है वो थ्री ईयर हो गया उनको लगभग और स्वस्थ है और पूरा अपना कंपनी चला रहे हैं तो इतने बड़े करोड़पति हैं अरबपति हैं वो लगभग फिर भी वो आयुर्वेद को ऐसा बोलते है मैं माना और आपको होती मैं कितना बुरा है। लगा होगा कि आपको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लगा कितना लोग मुंह पे अपमान कर देते है कि आप, आप, मतलब आप डॉक्टर हैं आप ठीक कर रही तो अपमान कर देंगे लोग करा के उनको मतलब अपने परिचित हैं भाई खड़े हो जाना चाहिए उनको देख के दस लोग आए और ये कैसे बंदा जो चल नहीं पा रहा था चेयर में बैठा रहता दो किलोमीटर घूम रहे सदा जब क्या हो गया कैसा इलाज लिया तो जब उनको आपको मुंह पे अपमान करने में शर्म नहीं है तो हमें अपना फीस लेने में क्यों शर्म करना है हम उनका नहीं नहीं अपना फीस ले लेना चाहिए बस तो ऐसे हम... पहले झुक के आएंगे कि नहीं हम सब करेंगे सब करेंगे जहाँ ठीक हुए वहाँ फिर वो फिर अपना दिखाने लगते जो हमारी जुनून फीस है जुनून जो फीस है मैं लेती हूँ आपको कराना है आइए नहीं कराना और क्या ना हमारे आयुर्वेद में ऐसा चरक जी ने बोला है कि हमें ना कुछ पेशेंट को त्याग भी करना चाहिए जो लोग डॉक्टर को कोई भी चीज डर डर के बताए चंडम शोका बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो और हम जो अच्छा करे वो कृतज्ञ हो उसका उपकार नहीं मान रहे उपकार नहीं मान रहे उन सबको त्याग दो ऐसा चरक जी ने बोला है छोड़ दो उसको जी, जी जी और अपने इतने पेशेंट हो हो जाते हैं बीस पच्चीस फैमिली डॉक्टर हैं उनके तो वैसे ही हम बिजी रहते हैं उन्हीं में ऐसा नहीं लगता हेलो सर ये जरूरी है सर जी हाँ गीता मैम आप क्या बोल रही थी हाँ ओ मेरी सास के ने घुटने घिस गए तो उसकी वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट की है तो आज उसका वो छटक गया अभी उसके पास के पास के रिपेयर करा जी। तो सारे संधि में तकलीफ हुई ना ये तो हाँ। तो और क्या क्या दे सकती योगराज महापात दस मूल गंध तेल हाँ। ये सब चालू किया है हाँ। और स्नेहन भी और जब उनका मुंह खुलने लगा है तो कवल गंडूज देंगी ना मैम सब मैंडिबुलर ज्वाइंट डबल गंडूश अभी तो फिक्स करा के आई बाद एक में साइड धीरे वन साइड हो गया था अभी इमरजेंसी में गई बाद में ऊपर से स्वेदन तो, स्नेहन स्वेदन करा हाँ देते स्वे, स्वेदन तो दिया अभी आपके तुरंत जी वो तो डेंटिस्ट ने बोला था जी हो जाएगा मैम लेकिन आप कवल गंडूश भी कराइएगा और उनको पूरा ओरल आम बात विधंसक आम बात कभी देखेगा कि आम है कि नहीं देखेगा हाँ, वो वो नहीं है है मोशन बराबर है, वो सब है, खान पान में भी उतना कुछ है नहीं में तो कुछ सारे संधि में तकलीफ हुई ना वो मैंने तो अभी सोचा था कि सिर्फ पैर की संधि में है तो ये आज ये हुआ तो कि सारे संधि में तकलीफ है आ, तो उनको बस्ती दीजिए दीजिए अभ्यंग रहिए सब तरह से तेल तेल डाल के कफ को हमें बैलेंस करना है श्लेषक तिक्तक्षीर बस्ती दू या तिक्तक्षीर बस्ती से रीजनरेट होता है और अनुवासन तेल मात्रा बस्ती देने से स्नेहन होगा जितना स्नेहन होगा उतना वो पकड़ आएगा वो मजबूत होगा ज्वाइंट अच्छा तो वही पहले मात्रा बस्ती देती हूँ पहले और अश्वगंधा गृत है शतावरी गृत है विदारिया गृत कुल तिक्त गृत ये ठीक है मैम वैशाली मैम आप क्या बोलना चाहती हैं जी सर मेरा एक पेशेंट है मेरी आ, उसका भी ज, नी जॉइंट का ही इश्यू है काफी टाइम से उसको संधिवाद की पेशेंट है वो और वेट थोड़ा ज्यादा है ओबेज है और एज भी आ, 60, 55, 60 के अराउंड है सर और वो फिर वो फिर उसने तीर्थ करने गई थी तो उनको बहुत ज्यादा चलना पड़ा और खाना भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और वहां पे स्नान स्नान भी किसी भी टाइम पे किया तो उनको जॉइंट्स में सर स्वेलिंग थी बहुत ज्यादा और क्या बोलते हैं हल्का हल्का सा सर उनको ज्वर भी था तो मैंने उनको गोदंती सुदर्शन अश्वगंधा और सर अजमोदादी का कॉम्बिनेशन दिया था और साथ में महायोगराज गुग्गुल और सर वारंकुश रस और सर वो दिया था दशमूल काढ़ा दिया था सर तो उनको तो बहुत ज्यादा पेन में सर रिलीफ नहीं मिला और आ, मालिश करने के लिए सर घुटने पे महानारायण तेल दिया था सर लेकिन उनको बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं, नहीं तो आपने नहीं। ये दिया वो दिया ये बताया आपने क्या डायग्नोज किया आमवा था कि संधिवत था हेतु क्या था संप्राप्ति क्या था सर मुझे तो ये लगा कि मुझे सर उतना समझ नहीं आता है मुझे दे, तो, दे, तो ये लगा कि संधि बात रहा है उनको काफी टाइम से और नहीं वेट तो वेट की वजह से उनका अग्नि कैसा है उनका रात्रि जागरण है क्या हाँ, बताइए नहीं सर रात्रि जागरण नहीं है अग्नि भी सही है और उनका खान पान भी सही है खान पान में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर, अगर खान पान सही है तो बीमार क्यों है खान पान सर उनका ठीक है उनका बावल भी ठीक है उनको मोशन भी सही आता है बस ये मुझे लगता है मुझे सर समझ में नहीं आ रहा इसलिए मैंने ऐसे नहीं होता है अगर सब कुछ अच्छा करे है तो बीमारी नहीं होना चाहिए खान पान अच्छा है और वो बीमार है ये क्या है वेट सर वेट सर ज्यादा है तो यही हुआ ना खान पान

सर पेन के लिए सर अपने पास ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब तो, तो वो थोड़ा सा वो पाईगी पाईगी है सर, तो पेन का सर कुछ समझ नहीं आ रहा पेन वो बहुत पेन, पेन, पेन बोलती रहती है वो तेल लगा दिया ना तो पेन एकदम गायब हो जाता है जी जी ओके सर लेकिन ये पूरा चिकित्सा नहीं है ये सिम्टोमेटिकली चिकित्सा है जी 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 सर मुझे एक्चुअली इतना समझ नहीं आता तो मैंने सोचा आपसे पूछते हैं मैंने प्रशांत भट्ट जी को दिया वो तेल जो है आम बात में संधि बात में बातरत में सभी में चलता है वो लगा दिया ना जी पेन खत्म वो हरिहर सर, सर को है। भी दिया हरिहर सर वो आपका वो पेन किलर वाला तेल का बताइए ना सर है क्या डॉक्टर हरिहर सर हाँ जी सर वो जो मैंने पेन वाला जो दिया तेल उसका पेन का कैसा रिजल्ट आता है अभी तो उसको तो बंद कर दिया ना सर वो तेल अब दूसरे लोग को दिया है क्या कभी आपने नहीं नहीं अभी किसी को नहीं दिया है सर अच्छा ठीक है तो वैशाली में आप अपना एड्रेस दीजिए मैं कल नहीं आपने, सर उसके खंबे नहीं। में लगा दू और जो सिर देता हूँ तो एक दिन सिर देता हूँ और एक दिन ये दे दू ने उनको लिए अभी वो दर्द के सारे शरीर में दर्द हो रहा है तो सिर सिरबला कर दे दीजिए सिर कर देने में कोई दिक्कत नहीं है सर नहीं 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 दिक्कत तो सर मैं जो वैशाली, वैशाली मैम ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है जो मैं बता रहा हूँ मैं आपको भेज जी जी और उनको सर वस्ती वस्ती तो सहचर तेल से मात्रा वस्ती देनी हाँ, मात्रा वस्ती एक दिन और दूसरे दिन गोमूत्र का दीजिए नहीं तो त्रिफला का दीजिए या लेखनीय गण का दीजिए सर वो त्रिफला चूर्ण वाली वस्ती दे सकते हैं हाँ, चूर्ण वस्ती से वेट कम होगा जल्दी जल्दी पानी में मिक्स करके रख दीजिए और उसका बस्ती रख दीजिए नमस्ते गीता मैम आप कुछ बोलना चाह रही थी हाँ वो मेरी पेशेंट को लाना चाहती थी ना लाइए ना हाँ तो बोल देती हाँ। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए कुछ किसी को भी जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं मेरा ट्रीटमेंट गलत लग रहा है तो बोल सकते हैं कि आपका ट्रीटमेंट गलत है कोई बात नहीं आप लेकिन बोलिए सब लोग कुछ बोलिए प्लीज आप लोग आरती मैम तो आजकल ही नहीं रही है पता नहीं क्या हुआ आरती मैम शायद काम कर रही है हाँ वर्षा मैम थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए वर्षा मैम थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में हेलो अभी भी नहीं हलो? आ रही हाँ बोलिए बोलिए अभी आ रही है अभी आ रही है आ, एक पेशेंट है उसके हील्स में तो बहुत पेन और मतलब पैरों में एड़ी का दर्द है जॉइंट पे दर्द था तो घुट तो ठीक है कम है उसका लेकिन एड़ी का दर्द नहीं जा रहा है एड़ी का दर्द है तो क्या कैलकेनियन पर है क्या तो आप जी सर आप उसमें ये दीजिए ना गर्म पानी में नमक डाल के पैर को डुबा के रखने को बोलिए और रक्त मोक्षण ये कर... मैंने बोला था तो इसने किया नहीं अच्छा उनका रक्त मोक्षण कर दीजिए वहां से अग्निकर्म कर दीजिए और बाकी अपने गूगुल महायुवराज गुगुल आभा गुगुल लाक्षा गुगुल, फिर मज्जा पाचक दे दीजिए जी ठीक थैंक यू सर अगर इस सबसे भी नहीं हो रहा है तो आपको एक्सरे करा के देखना पड़ेगा कि वो कितना ज्यादा है डिफॉर्मिटी क्या है क्यों दुख रहे हैं? जी सर सर उनको एडी में ऐसा दर्द है जैसे कि पर्टिकुलर एक पार्ट दर्द नहीं चारों तरफ से पूरे में है तो अगर अगर करते हैं करते हैं मृतिका शाला से करिए चारों तरफ से हाँ उनको ना एरन तेल या महानारायण तेल कोई तेल से अभ्यंग करा दीजिए कम हो जाएगा जी सर मैंने तो अभी उनको, उनको उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी तो मैंने उनको ही बोला है जी सर पाइल्स में जैसे हमें छार देना है तो उसको किसमें डिजोल्व करके देंगे गौमूत्र में पाइल्स में लगाना है जी जैसे आप बता दें सर यवक वक्षार या पमार छार उसमें रख रहे हो हाँ तो अभी वो हमारे एक है ना अशोक ने लेप हमारे जमदग्नि सर के फॉर्मूला बुक में देखिए उसमें मोरचूद है श्वासकुठार रस है और शार है दो तीन तो वो हम घी के साथ मिक्स करके लगाते हैं घी नहीं लगाएंगे तो जल जाता है वो एरिया स्किन घी अच्छा। नहीं लगाते हैं और वो भी रोज नहीं लगाना है एक दिन लगाना है एक, एक दिन लगाने, एक दिन लगाना है एक दिन तो वो पूरा सूख जाता है पाइल्स एक्सटर्नल बुक में सर उसमें खिंचाव होता है क्या पेशेंट को पेशेंट ने कम्प्लेन किया कि खिंच रहा है ना तो रोज नहीं लगाना है लगाना है तो वो नहीं वन टाइम टाइम ही दी मैंने उसको। कोई बात तो, डाल करके उसको और एक दो ड्रॉप डाली उसमें तो सब चीज ठीक था तो, अभी शाम को उसने कंप्लेन किया कि आ रहा है तो मैंने उसको सदौत बोला लगाने को सब लगा के भी देती थी मैं जत्यादिक घर का महोत्सव बहुत तो ये कंप्लेन आया मतलब मेरे को घी में ही लगाना था वो हाँ। है हाँ। ना सर घी में हाँ। मिक्स करके फिर रखना है सर पिचू पिचू जी ऐसे घी में कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो कैलाश जीवन लगाना पड़ता है या शद्धोत घृत लगाना पड़ता है जी 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 सर वो मेरी पेशेंट ज्वाइन हो चुके हैं। ज्वाइन हो चुके हैं उनका नाम क्या है निशा निशा नहीं निमी लग रहा है निमी हाँ तो वही निमी जी आप अगर हमें सुन पा रही हैं तो आप यहाँ पे अपना वीडियो ऑडियो ऑन करिए हाँ। वीडियो भी ऑन करिए ओके हाँ इनका केस टेकिंग कौन करेंगी लेडी डॉक्टर में से मैं भी कर सकता हूं लेकिन लेडी डॉक्टर करें तो ज्यादा अच्छा रहता है अगली बार शशि मैम ने किया था मैं सर पहली बार जो दिसंबर में किया था वो शशि मैम ने किया था शशि मैम खाना बना रही हैं बहुत टेस्टी तो वर्षा मैम आप कर सकती हैं। या आरती मैम कोई और करिए शशि मैम शायद खाना बना रही है कोई और कर दीजिए प्लीज सविता मैम सीमा मैम तनिका मैम कोई करिए प्लीज शशि मैम तक आवाज वैशाली मैम आप करेंगी केस टेकिंग पेशेंट वीडियो ऑडियो ऑन करें हाँ ठीक है हाँ, हाँ शशि मैम आप बोलिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाँ बताइए क्या था 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 था? क्या हाँ जी मैम गीता बेन मारो को केस बताओ ने पूरा हिस्ट्री हाँ 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 ओके हाँ दो गीता मैम आप पूछ लो हेलो हाँ बोल बोल तू बोल बोल तू हाँ ओके तो मेरा क्या हुआ था कि मुझे पहले ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ था करीबन फोर फाइव इयर्स पहले तो ब्लड प्रेशर का रीजन पता चला कि ऑटो इम्यून डिजीज है और उसके कारण आयोटा uh, में ब्लॉकेज uh, uh, हुआ है तो फिर हमने सर्जरी करवाया था स्टेंटिंग किया है चिमनी स्टेंट लगवाया है वेल्लोर से किया है और वो किडनी के किडनी का जो जंक्शन है मतलब तो जहाँ पे जो दो किडनी अलग होती है वो जंक्शन पे पूरा चिमनी स्टेंट लगा है तो उसमें से दो स्टेंट uh, दोनों साइड किडनी साइड और फिर मेन आयोटा में है ऐसा तो फिर उसके बाद वन ईयर के बाद वापस एक जगह पे वन ईयर नहीं टू के बाद वापस एक किडनी के साइड ब्लॉकेज हुआ था तो वो हमने रीस्टेंटिंग किया आ, सेम जगह पे सीएमसी से हुआ है दोनों बार सर्जरी और उसके बाद फिर आ, कोई कंप्लेन नहीं थी तो ये पूरा प्रोसेस 2019 में, में मेरा लास्ट सर्जरी हुआ है उसके बाद मैंने आ, फिर थोड़े टाइम स्टीरोड और वो सब चालू था वो खत्म हुआ फिर बाद में आयुर्वेदा की हेल्प से हमने मुझे बेबी कंसीव हुआ और अभी डिलीवरी हुआ है मतलब डिलीवरी थ्री थ्री फोर मंथ्स के पहले हुआ है बेबी गर्ल तो अभी क्या है कि अभी मेरा ऐसा कोई मेडिसिन नहीं चालू है जैसे सिर्फ ब्लड थीनर चालू है एंड ब्लड प्रेशर का मेडिसिन चालू है और बस इतना तो अभी मुझे ये हेल्प चाहिए था कि अभी मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है थोड़े टाइम से तो ऐसा कुछ आ, कर सकते हैं जिसके कारण मतलब मेडिसिन की भी थोड़ी साइड इफेक्ट्स कम हो और मतलब लाइफस्टाइल में कुछ सजेशंस और वो सब चाहिए था मैडम डिलीवरी सीजर था या नॉर्मल था नहीं सीजर था और डिलीवरी के पहले मतलब जब कंसी हुआ उसके पहले मैंने पंचकर्मा का पूरा प्रोसेस किया है विरेचन और योग बस्ती का साइकिल का कोर्स किया था और उसके बाद ये कंसी हुआ है और उसके बाद भी डिलीवरी के बाद भी दस पुलारी प्रताप लंकेश्वर रस और सौभाग्य दिया है इसको अब क्या मैम मेडिसिन चला है, सकते हैं वर्किंग है अब मैम हाँ मतलब अभी नहीं हो अभी मम्मी के वहां पे हो अभी वर्किंग नहीं हो बट जब मैं वापस जाऊंगी तो वन मंथ के बाद तब मैं वर्किंग मतलब स्टार्ट करूंगी क्या है जॉब मैम आपका मैं आर्किटेक्ट हूँ तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों का खुद का जॉइंट ऑफिस है तो वहां से डिजाइनिंग और वो सब कर और अभी एक मेन कंसर्न ये था कि अभी मेरा वापस ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होना चालू हुआ है तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि वापस कुछ ब्लॉकेज या से कुछ है या कोई और कंसर्न है वो समझ में नहीं आ रहा था यूरिन ठीक जाता है मैम हाँ है पूरा मोशन हाँ. भी ठीक है मोशन भी थे स्टूल बोथ टाइम जाते हैं हाँ स्टूल पास, तो, पास होते हैं तो, कुछ म्यूकस जाता है स्टूल में म्यूकस नहीं 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 क्लियर है यस तो कुछ स्ट्रेस है आपको वर्किंग का ऐसा नहीं स्ट्रेस तो नहीं है मतलब अभी तो ये डॉटर मतलब छोटी है तो वो रात को जगना और वो सब और नॉर्मल मेरा मतलब वो ये सब हुआ था ना तो अभी क्या है कि कभी मैं थोड़ा देख मुझे फील होता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो मेरा स्ट्रेस ऐसे ही डबल हो जाता है तो उसके लिए आप सोचते हैं कि मेरा बीपी बढ़ रहा है या मेरा हां तो हाँ तो फिर मुझे वो वो वापस सब तो कुछ याद है। आता है कि जी जी शायद दे। अगर होगा तो ये प्रोसेस वापस करना पड़ेगा इसके आगे पूछेंगे शशि मैम हेलो शशि मैम आप हैं कुछ बना रही हैं शशि मैम हाँ जी हाँ जी सर मैं जी, सर, हाँ जी मैम बताइए आप बहुत परेशान लग रहे मुझे क्या नाम है आपका निशा निशा जी क्या करते हाँ. हैं आप मैं आर्किटेक्ट हूँ दो को दोनों का ऑफिस है तो क्या क्रिएट करते हैं आप क्या मतलब एक अलग तरीके आर्किटेक्ट हर चीज को क्रिएट करता है ना हाँ क्रिएट क्रिएटिविटी yes, और आर्ट वर्क भी करती हूँ नहीं। नहीं, तो नहीं, नहीं, तो तो कुछ नहीं है अच्छा मतलब सोशली वर्क लोड नहीं, नहीं 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 वर्क लोड तो नहीं उल्टा कोविड के बाद मैंने मेरा जॉब भी छोड़ दिया था तो वर्क लोड तो बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं है ऐसा कुछ नहीं अच्छा नो क्योंकि अभी भी मैम फेस काफी मुझे वो लग रहा, भी भी रहा है इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ परेशान बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ठीक है तो स्ट्रेस कई बार हमें समझ में नहीं आता बहुत सारी चीजों की तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं आपको जो जो काम पसंद है वो करो ठीक है वो मोना भाई एमबीबीएस वाला आर्टिफिशियल जो खुश रहने वाला तरीका नहीं होता है सारी चीजें थोड़ा सा फॉलो करो तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा और नहीं, नहीं तो मैम तो इनको तो इनको फियर तो फैक्टर है एक्चुअली किडनी में इनके यहां इनको जंक्शन में स्टेंट पड़ा हुआ है तो उनको बार-बार यही, यही लग रहा है कि कहीं कहीं मुझे आ ये आ ना मुझे हो जाए मैंने सुना भी और फियर फैक्टर से भी किडनी डैमेज होती है रियलिटी ये है हुँ. ठीक है जिन लोगों को भी या तो इंफेक्शन वगैरह से होता है फियर फैक्टर बहुत बड़ी वजह है तो अपने आप को मैम थोड़ा सा प्लेसिबो देना शुरू करो ठीक है कि मैं डे बाय डे ठीक हो रही हूँ मेरा बीपी नॉर्मलाइज हो रहा है मेरे सारे फंक्शंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं ठीक है, है? है? तो उसका बहुत ज्यादा आप असर देखोगे क्योंकि साथ में अगर मेंटल स्टेटस बहुत हो तो मेडिसिन मतलब जादू की तरह काम करती है नहीं। नहीं। तो पहले तो इन चीजों पर थोड़ा सा आपको अपने आप को करना है अच्छा ये तो रिपोर्ट रिपोर्ट की बात है आप अपना एक्चुअल बताओ कि आपको क्या तकलीफ होती है हमें रिपोर्ट वाली लैंग्वेज नहीं जाननी है आपको क्या तकलीफ होती है आप हमें ये बताओ तकलीफ मतलब कैसे मतलब जैसे मान लो क्या आपको यूरिन करने में कोई ट्रबल आता है या यूरिन की फ्रिक्वेंसी अर्जेंसी या यूरिन में झाग आता है या यूरिन का कलर थोड़ा सा डिस्कलर टाइप का होता है मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं रहता थोड़ा सा गंदा टाइप का रहता है तो क्या यूरिन में कोई तकलीफ है नहीं यूरिन में कोई तकलीफ नहीं है ऐसा जैसे बोला जैसे ट्रांसपेरेंट यूरिन अभी जैसे मैं मैं चेक कर रही हूँ ना कि मेरा एक वीक से थोड़ा चार-पांच दिन से बीपी हाई है तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो वेदर है या तो बीपी है कि मुझे यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है ऐसा ठीक है और और तो थोड़ा भी... नीचे की मैं अभी राजकोट में हूँ मम्मी के वहां पे तो नहीं तो मैं टेंपरेचर क्या है अभी टेंपरेचर तो ठंडा है यहां पे अगली 4 आ, मैं वेदर में चेक करना पड़ेगा मतलब लगभग आपको एक आइडिया होता ना दिमाग में मैं ये बोल रही हूँ बिलो ट्वेंटी हाँ बिलो ट्वेंटी मतलब ट्वेंटी है हाँ. अच्छा जैसे मेरे यहाँ पर अभी टेम्परेचर चौदह होगा या ऐसे कम होगा हाँ 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 नहीं उतना डाउन तो कि वेदर जब ठंडा होता है तो बॉडी में वाटर कम रुकना चाहिए इसलिए फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है पहली बात होती है दूसरी बात है कि ऑटोमेटिकली जिन लोगों का बीपी को प्रॉब्लम होता है मतलब हाई बीपी रहता है उनका ठंडियों में बीपी बढ़ जाता है क्यों बढ़ जाता है आपको पता है थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी है ना इसीलिए थोड़ा अच्छा। सा गर्म पानी से नहाइए थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए सुबह सुबह जब आप पहला पानी पीते हो तो गर्म पानी में आधा नींबू डाल करके पीजिए आधा ज्यादा नहीं है ना कि दिन भर हम हर बार नींबू डालकर पी रहे हैं ये कुछ चीजें होती हैं जैसे आपको पता चंद्रभेदी प्राणायाम करना है कुछ मुद्राएं होती हैं है तलदे मर्म होते हैं तो वो नहीं। सारी चीजें आपको सब मिल जाएगा वो आपके डॉक्टर जो भी हैं आपको बेटर गाइड कर देंगी तो वो सारी चीजें करिए थोड़ा सा खान पान में देख लीजिए अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही होगी तो भी बीपी होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो भी बीपी बढ़ेगा एकदम बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें पर बहुत बड़ी चीजें हैं ठीक है अगर रात में मुझे मान लो आज अच्छी नींद नहीं आई और कोई मेरे दिमाग में चीज अटकी हुई है क्योंकि नींद के पीछे की वजह होती है और वहां से बीपी तुरंत वो होता है ठीक तो मतलब आपका कहना है कि अभी थोड़ी सी मम्मी क्या आए हो तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ बढ़ी है ना हम्म हम्म हु. अच्छा ये जो सारी चीजें आपको तकलीफें हैं ये कितने सालों से चल रही हैं मैम जो भी इस तरह की चीजें हुई मतलब 2014 से एक्चुअल पता चला उसके थोड़े टाइम पहले से बीपी तो मेरा फ्लक्चुएट हो रहा था बट पता नहीं चल रहा था कि किसके कारण हो रहा है मतलब फ्लक्चुएट नहीं पर हाई हो रहा था फिर बाद आ, में पता भी चला, चला होता हो तो नहीं क्या ऐसा होता था कि लगता था मुझे सडन गुस्सा बहुत तेज आता है नहीं गुस्सा नहीं मुझे वो फियर जैसा फील होता है डर और ऐसा मतलब थोड़ा पैनिक ज्यादा फील होता है अच्छा जैसे हाई बीपी के पेशेंट्स का एक एक चीज ये भी होता है कि वो पैनिक तो होते ही है उनका गुस्सा बड़ा अजीब टाइप का होता है मतलब आप अगर नॉर्मल को इंसान है थोड़ा सा भी समझता है ना तो बोल देगा कि हाई बीपी वाले का गुस्सा एक नॉर्मल गुस्सा होता है तो नॉर्मल गुस्सा बंदा थोड़ा करता है किसी भी बात का हाई बीपी वाले जैसे फटने टाइप वाले गुस्सा करते हैं कि हर बात <laughs> में फट गए तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि इंसान को ज्यादा अपने बारे में अच्छे से पता होता है

ठीक है देखो इस सब चीजों का ना डिप्रेशन एंजाइटी टाइप की जो भी प्रॉब्लम है उसका बेस्ट सोल्यूशन यही होता है विदाउट मेडिसिन दैट इज सोशल बहुत ज्यादा हो जाओ जितना ज्यादा सोशल रहोगे लोगों के प्रॉब्लम सुनोगे तो अपनी प्रॉब्लम भूल फल जाती है एस्ट्रोलॉजी का वो है फॉर्मूला है इसलिए मैं आपको तो बता रहा हूँ कि डिप्रेशन का बेस्ट ट्रीटमेंट होता है सोशल हो जाइए क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना तो आप बहुत कुछ फालतू पालू तो सोचते हो उससे फिर और चीजें एग्रीवेट होती है खराब होती है सिंपल सोलॉज है और उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है

मास्टर भी किया फर्नीचर डिजाइनिंग में तो वो भी ऐसा ही था मतलब एजुकेशन का प्रेशर था बट ऐसा नहीं कि मतलब मैं एंजॉय करती थी क्योंकि क्रिएटिविटी वाला फील्ड था तो मैं तो मैं एंजॉय करती ही थी ऐसा नहीं, नहीं, जैसे नहीं कि कि एकदम प्रेशर होता है ना कुछ लोग ऐसा होता कि ठीक है पढ़ते हो तो खूब टेंशन हो गया फिर गए खेलने तो भूल भाल गए कहाँ दुनिया थी नहीं, नहीं ऐसा नहीं है मेरा फिर वो टेंशन वाला ही है तो मतलब वो अगर पढ़ने का टेंशन है तो वो रहता ही है पूरे दिन दिमाग में ऐसा नहीं की छोड़ दिया या हो जाएगा ऐसा वो मेंटालिटी नहीं काम करता हां वो तो आपके फेस में दिख रहा है इसलिए मैं वेरीफाई कर रही हूँ चीजों को वो तो देखते-देखते समझ जाता है पर तब पर भी थोड़ा सा ये एटीट्यूड डेवलप कर कि हाँ. कुछ वक्त के लिए बेपरवाह हो जाओ भूल जाओ दुनिया को ठीक है क्योंकि तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी चीज है ओके ओके अच्छा और क्या तकलीफ थी एक तो एकेडमिक वगैरह मान लो ऐसा प्रेशर था और एक चीजें होती थी दिमाग पर रहती थी लंबे टाइम तक रहती थी हुँ. तो क्या जब ये पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा कर रहे थे तो आप रात में ज्यादा जागकर पढ़ते थे क्या हाँ मतलब जब ट्वेल्थ तक थे तब जल्दी उठ के पढ़ने की आदत थी पांच बजे जब आर्किटेक्चर में आई तो क्या था कि सब मतलब सब कल्चर ही ऐसा था तो रात को जागने का दो बजे तक तो अच्छा। ऐसा वो, वो सब चालू हो गया फिर वो तो चला ही है और फिर, तो फिर, हाँ, फिर, फिर सुबह थोड़ा लेट उठना और वो सब तो है फिर दिन में भी सोते थे नहीं दिन में नहीं दिन में नहीं दिन में तो फिर कॉलेज होता है जैसे सुबह सूर्य होता है कि कितने घंटे बाद उठते थे हाँ क्या जैसे सनराइज होता है नॉर्मली मान लो छः बजे होता है तो आप जैसे सोते ऐसा। या अगर कॉलेज रहेगा तो सुबह जल्दी उठ के चली गई वो सब तो जब जैसे मान लो सुबह उठकर कॉलेज जल्दी चले गए नींद पूरी नहीं फिर उसको कम्पनसेट हाँ। करने के दिन में सोना पड़ेगा है ना हाँ हाँ ये जो फिर हो वापस रात हाँ तो अभी मैं आपको बता देती हूँ आपकी बीमारी का एक जड़ ये रात्रि जागरण भी रहा है क्योंकि जिन अच्छा। लोग भी रात्रि जागरण ज्यादा करते हैं उन सबको किडनी डिजीज होने के चांसेस बहुत होते हैं नॉर्मली अच्छा। लोग एलोपैथी में नहीं निकालते हैं बट अभी तक मैंने भी जितने पेशेंट्स देखे हैं जिनका भी बीपी फ्लक्चुएट होता है या नहीं। जिनको नहीं।

हाईली एम्बिशियस जो होते हैं उनके अंदर भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो ये सारी चीजें मिलकर के किडनी को डैमेज करती हैं हाँ मैं एक एक पॉइंट है कि मेरा मतलब किडनी में कुछ किडनी डिजीज नहीं है या तो किडनी में कोई इश्यू नहीं था जो ब्लॉकेज था ना वो मेन आयोटा में था बट वो किडनी वाले जंक्शन में था इसलिए वहां पे स्टेंटिंग हुआ है ऐसा तो मतलब किडनी फंक्शन और वो कभी भी इश्यू नहीं रहा है मेरा चलो आपका अपना वो अलग सोच है मैं उस अलग सोच क्यों के दरवाइ नहीं लीजिएगा नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी के हिसाब से तो हमारी होल बॉडी एक होती है हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं लेकिन जब हम निकालते हैं तो वैसे भी देखेंगे ना बीपी वगैरह का पढ़ोगे गूगल वाले सर्च कर रहे हैं ना तो उसमें के फंक्शन में इधर उधर आता है तो जंक्शन के पास आए चाहे इधर उधर परेशानी है चाहे यहाँ तक कि मैं कहती हूँ कि जो लोग रात्रि जागरण करते हैं

तो खाना तो प्रॉपर मतलब टाइम टू टाइम और वो सब बट स्लोथी मतलब खा खाने में मैं हमेशा एवरी टाइम थोड़ा कम रहा है मेरा न्यूट्रिशन खाना, खाना कम खाते थे अमाउंट कम हां खाना कम खाती थे सर चलो उससे नहीं फर्क पड़ता लेकिन एक होता था कि क्या जब खाना आप खाते थे आपको भूख लगी होती थी टाइम हो गया तो सो आपको हाँ, नहीं, नहीं 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 मतलब

हाँ वो तो रहा होगा जैसे वो तो कभी कभी okay. तो अभी मैम आपके कितने बेबी हैं अभी एक डॉटर है वो थ्री मंथ की है नहीं दैट इज सीजरन और नॉर्मल डिलीवरी सी, सीजर इन सीजर इन ही था कंफर्म पहले से क्योंकि ब्लड प्रेशर का इश्यू था तो पहले से सी सीजर बोला अच्छा, गया प्लांट था प्लांट सीजर है हम्म प्लांट सीजर ओके okay. और थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपका सब कुछ ठीक था

क्या क्या खा रहे थे हम्म जब चालू हुआ था तब आई थिंक तब का डोज कम 20 25 था ट्वेंटी या ट्वेंटी फाइव एम था फिर फोर्टी एमजी हुआ था और फिर जब मेरा सर्जरी हुआ टू थाउजेंड उसके बाद ब्लड क्योंकि वो इश्यू रिजोल्व हो गया था तो ब्लड प्रेशर मेरा बिल्कुल चला गया था फिर भी मैं फाइव एम डोज था मैं टेबलेट का नाम भूल गई

हाँ ये क्योंकि ये बात कंटिन्यू पर... चलते रहेगा ना हाँ चलिए मैम कल आपसे बात करेंगे थोड़ा सा ठीक है ओके okay, चलो थैंक यू हाँ कल प्रॉपरली आप टाइम दीजिए ओके ओके थैंक यू थैंक यू ओके सर थैंक यू